नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। शुक्र का सिंह राशि में गोचर, क्या रहेगा आपका राशिफल? शुक्र का परिवर्तन 5 जुलाई को हो रहा है। इस समय शुक्र कर्क राशि से सिंह में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं शुक्र का ये परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए क्या परिणाम लेकर आ सकता है। मेष, शुक्र के इस परिवर्तन से आपकी राशि से पंचम स्थान में शुक्र प्रवेश करेंगे। ये समय संतान पक्ष की ओर से आपको संतुष्टि देने वाला रह सकता है। विद्यार्थी जातकों के लिए भी समय लाभदायक रहने के आसार बन रहे हैं। कामकाज की बात करें तो आपके मान सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। जो विवाहित जातक लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें भी सफलता मिल सकती है। वृषभ, शुक्र परिवर्तन के साथ ही आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर होंगे। ये समय आपके लिए घर वाहन आदि का सुख मिलने के योग बना रहा है। यदि पिछले कुछ समय से नया घर या नई गाड़ी लेने का विचार बना रहे हैं तो इस समय बात बन सकती है। राजनीति से जुड़े जातकों के लिए भी समय अच्छे संकेत कर रहा है। आपके उद्देश्यों के लिए आपको जनता का समर्थन प्राप्त हो सकता है। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, उनकी देखभाल अच्छे से करें। मिथुन, आपकी राशि से शुक्र पराक्रम स्थान में प्रवेश करेंगे। ये समय आपकी कार्यक्षमता का प्रदर्शन करने का है। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मधुर रहने के आसार हैं। यदि पिछले कुछ समय से उनसे मुलाकात नहीं हुई है तो इस समय उनसे मिलने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कर्क, द्वितीय भाव में शुक्र का आना आपके लिए धन वृद्धि के संकेत कर रहा है। शुक्र आपके लिए नकारात्मकता को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अपने जिन करीबियों, सगे संबंधियों या दोस्तों से मिले हुए आपको लंबा समय हो चुका है, उनसे मुलाकात के योग भी इस समय आपके लिए बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी लेन देन आपके लिए लाभकारी रहने के आसार हैं। संगीत के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी ये समय कल्याणकारी रह सकता है। सिंह, शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। नए लोगों से दोस्ती बनाने, अपने व्यक्तिगत व व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने के आसार हैं। किसी नई वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं। कामकाजी जातकों के लिए तो ये समय और अधिक सौभाग्यशाली रहने के आसार हैं। कन्या, आपकी राशि से शुक्र 12वें घर में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके व्यय का स्थान है। इस समय आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषकर अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए किसी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। खर्च किसी मांगलिक कार्य के लिए भी हो सकता है। यदि पिछले कुछ समय से कहीं घूमने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो शुक्र का परिवर्तन आपके लिए ऐसे योग बना रहा है। अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कामकाजी व्यस्तता के कारण थकावट महसूस कर सकते हैं। हालांकि आंतरिक तौर पर आप उत्साह से भरे रहेंगे। तुला, 5 जुलाई को होने वाले शुक्र के परिवर्तन से आपके लिए लाभ वृद्धि के संकेत हैं। दरअसल शुक्र आपकी राशि से लाभ स्थान में दाखिल हो रहे हैं। हालांकि आमदनी में इजाफे के साथ साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि होने के आसार हैं। फिजूल खर्ची की संभावनाएं प्रबल हैं, बचने का प्रयास करें। मेहमान नवाजी भी आपको करनी पड़ सकती है। जिन अविवाहित जातकों के रिश्ते की बात चल रही है, उनकी बात सिर चढ़ सकती है। शुक्र के प्रभाव से भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलने के आसार हैं। वृश्चिक, शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से कर्म स्थान यानी 10वें घर में हो रहा है। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यवसायी जातक भी किसी नई परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं। आय प्राप्ति के नए स्रोत ढूंढ सकते हैं। शुक्र के राशि परिवर्तन से पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के आसार भी आपके लिए बन रहे हैं। धनु,
आपकी राशि से भाग्य स्थान में शुक्र गोचर करेंगे। यदि पिछले कुछ समय से किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रयासरत हैं, तो इस समय आप उसे घर ला सकते हैं। भाग्य का साथ मिलने से सुख समृद्धि, धन व पराक्रम में वृद्धि के आसार भी हैं। धार्मिक कार्यों की ओर भी आपका रुझान रह सकता है। मकर, आपकी राशि से अष्टम भाव में शुक्र आ रहे हैं। इस समय आपको सकारात्मक परिणामों के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। अपनी मेहनत पर विश्वास करें, भाग्य के भरोसे ना बैठें। आपके दाम्पत्य जीवन में भी साथी से मनमुटाव हो सकते हैं, इसलिए अपने व्यवहार में संयम रखें। फालतू के वाद विवाद में ना उलझें, साथी किसी के बहकावे में ना आए। हालांकि जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपको चिंतित होना पड़ सकता है। कुंभ, सप्तम भाव में शुक्र का आना आपके जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। जो जातक अपने किसी खास से दिल की बात कहना चाहते हैं, उन्हें भी अपनी बात कहने का वातावरण उपलब्ध हो सकता है। प्रेम संबंधों में लिप्त जातकों के लिए भी यह समय खुशगवार रहने के आसार हैं। मीन, छठे भाव में शुक्र का आना आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण हो सकता है। साथ ही व्यावसायिक जीवन में इस समय प्रतिस्पर्धियों अथवा कार्यस्थल पर ईर्ष्यालु जनों द्वारा आपके मार्ग में अड़ंगे अड़ाए जा सकते हैं। हालांकि तमाम परेशानियों से पार पाते हुए कार्यक्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। वर्तमान नौकरी या कार्य से असंतुष्ट जातक करियर में परिवर्तन का विचार भी बना सकते हैं। आपके रोमांटिक जीवन के लिहाज से ये समय मिला जुला रहने के आसार हैं। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।